प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य सुश्री आस्था ममगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इस संबंध में कितने मुकदमे दर्ज कर उन पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, क्या यह सही है कि तस्करी द्वारा घातक एवं नशीले पदार्थों की कॉलेज और स्कूलों के युवाओं में बेची जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिर क्या एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री प्रतीक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विगत 3 वर्षों में 5782 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, और मात्र इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही भी की गई है। गत वर्षों में पुलिस द्वारा नशा रोकने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कारण ही दर्ज मुकदमों में वृद्धि देखी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्ज प्रकरणों में वृद्धि का तस्करी बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। दर्ज प्रकरणों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट अपर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 2 के संदर्भ में जो बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई वह ठीक नहीं है। घातक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों की पर्यटक स्थलों, होटलों, बियर बार, कच्ची बस्ती, भीड़भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि या फिर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सप्लाई करने वाले माफियाओं का चिन्हीकरण तथा ऐसे माफियाओं के प्रति प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टीमों का गठन किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र इतना ही नहीं, समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा खंड संख्या 3 के संदर्भ में कि मादक पदार्थों के बड़े सप्लायरों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखकर बालकों व युवकों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहूँगा, इसी क्रम में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए हुक्का बार व ई सिगरेट पर पूर्व में ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जारी निर्देश व प्रतिबंध की प्रतियां परिशिष्ट द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार के सारे प्रयास नाकाफी है। सरकार की सारी सतर्कता सिर्फ कागजों पर ही है। वास्तविकता में विद्यालय महाविद्यालयों के बाहर खुलेआम नशा बिक रहा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठोस कार्रवाई की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, आपके अफसर आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं। अच्छे मतदाता नहीं है, इसलिए उन्हें सुना नहीं जाता। भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। अपने अपने स्थान पर जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सब जानते हैं कि मंत्री जी का जवाब सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला है। नशे की लत से भावी पीढ़ी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। क्या सरकार हर स्कूल और कॉलेज के बाहर सादा वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात करवाकर नशे के कारोबार पर रोक लगाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सदन के नेता कोई आश्वासन देना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर चल रही नशे की कारोबारी पर रोकथाम होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का सुझाव भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज ही अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे विशेष योजना एवं अभियान चलाकर स्कूल एवं कॉलेज के बाहर चल रहे ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम लगाएं।